जय माँ काली, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। सभी लोग एक बार कमेंट करेंगे ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, क्योंकि हम बतलाने जा रहे हैं शुभ मुहूर्त जन्माष्टमी का। एक बार फिर से भ्रम, जन्माष्टमी 26 अगस्त को या 27 अगस्त को? तो चलिए जानते हैं कि कब आप जन्माष्टमी का त्यौहार मनाएंगे, कब उस प्रेम के देवता, मुक्ति के देवता और विजय के देवता, ज्ञान के देवता की पूजा करेंगे। एक एक मुहूर्त भाइयों बहनों, वैसे तो सभी मुहूर्त शुभ होते हैं। कभी भी आप ईश्वर का नाम लो, भगवान का नाम लो, नाम जप कर लो, मंत्र पढ़ लो, शुभ ही होता है। भगवान का नाम लेने का कोई ऐसा मुहूर्त नहीं कि आप उसी मुहूर्त में नाम लो, लेकिन हमारे धर्म में प्राचीन काल से आ रहा है कि जो खास पूजन है, जो विशेष पूजन है, वह कुछ खास मुहूर्त में अगर किए जाते हैं तो विशेष फलदायी होते हैं। जैसे कि कोई शिवरात्रि हो गया, तीज त्यौहार हो गए, नवरात्रि हो गया, उसी तरह से जन्माष्टमी भी है। तो अगर शुभ मुहूर्त में करेंगे तो आप तो पूजन कर ही रहे हैं, हमेशा ही पूजन फलदायक ही होता है। लेकिन अगर वह शुभ मुहूर्त में किया जाए तो वह 100% लाभ करता है। जैसे कि आप भूमि को तैयार नहीं किए, जोत कोड़ नहीं किए और उसमें दाने डाल दिए, तो उपज तो वह भी जाएगा, लेकिन कितना उपजेगा? जितना आप दाना डालेंगे उतना नहीं उपज होगी। वही आप अगर ज़मीन को तैयार करके शुभ समय में, जिसका जो वक्त होता है, कब धान का, कब आपके मक्के का, अगर उस मुहूर्त में आप बीज को डालेंगे तो आपका सही खेती, सही फसल होगा। ठीक वैसे ही है मुहूर्त का, सही मुहूर्त में अगर आप मंत्र का बीज डालेंगे तो उस मंत्र का लाभ आपको पूरा पूरा मिलेगा। तो आइए इस प्रेम के प्रतीक कृष्ण, ज्ञान के प्रतीक भगवान श्री कृष्ण का जन्मदिवस कब है, हम उनका जन्मोत्सव कब मनाएं? वैसे तो आप दिन भर जन्मोत्सव मना सकते हैं, लेकिन उनका एक शुभ मुहूर्त होता है और अगर विधि विधान से पूजन किया जाए तो बेहतर फल होता है। लेकिन कुछ लोग जो है उपवास करते हैं, कुछ लोग जो है उपवास नहीं करते हैं जन्माष्टमी को। तो अगर आप उपवास कर रहे हैं तो आप जैसे भी आप पूजन कर सकते हैं, जो आपके पास उपलब्ध सामग्रियां हैं उससे आप उस शुभ मुहूर्त में आप पूजन कर लेंगे। जो उपवास नहीं करते हैं, अंत में मैं उनके लिए भी एक उपाय बतलाऊंगी, उस उपाय को वे कर लेंगे तो उनको भी पूरा लाभ मिल जाएगा। तो इस बार जो जन्माष्टमी है वह 26 अगस्त को है। 26 अगस्त को अष्टमी तिथि आरंभ हो रहा है, लेकिन एक खास बात है इस बार जो यह कृष्ण जन्मोत्सव है वह 52-51वां जन्मोत्सव है, यानी कि 5251, लास्ट में वन है, बहुत शुभ संकेत है और दिन सोमवार। तो इस जन्माष्टमी को खास आप मनाएं, जो विधि हम बतला रहे हैं उस विधि में, उस मुहूर्त में आप जैसे भी हो आप पूजन कर लें तो कृष्ण भगवान प्रसन्न हो जाएंगे और आपके जीवन में भी प्रेम का संदेश मिलेगा, विजय, ज्ञान, विजडम सब कुछ प्राप्त होगा। तो 26 अगस्त को 2:19 AM से तिथि आरंभ हो जा रही है जन्माष्टमी। और इसका पूजन कब करें, पूजन कब करें? 27 अगस्त को 2:19 AM में यह समाप्त हो जा रहा है तिथि, यानी कि रात्रि 12 बजे समाप्त हो जाएगा। रोहिणी नक्षत्र कब है यह जानना जरूरी होता है, क्योंकि कृष्ण भगवान का जन्म रोहिणी नक्षत्र में हुआ था और रोहिणी नक्षत्र अपने आप में एक सुंदर नक्षत्र है, एक बहुत ही खूबसूरत नक्षत्र है और इसमें जन्म लेने वाले लोग बहुत ही शुभ होते हैं। तो जो आपका रोहिणी नक्षत्र में निशीथ काल में आप कृष्ण भगवान का पूजन जैसे करते हैं, झूला झूलाते हैं,
भोग लगाते हैं, अगरबत्ती, धूप, दीप, मेवा, पंचमेवा, शुभोपचार जैसे करते हैं आप करेंगे, यहाँ पे मुहूर्त का बात ज़रूरी हो जाता है। तो जो रोहिणी नक्षत्र है वह 26:08 को 3:55 अपरांत से आरंभ हो जाता है, तो इस समय से आप पूजन कर सकते हैं, लेकिन निशीत काल का पूजन आवश्यक हो जाता है। निशीत काल होता है रात्रि 12:00 से लेकर 12:45 तक। यही छोटा सा मुहूर्त है, इस मुहूर्त में आप जो भी विधि विधान से पूजन करना चाहते हैं आप कर लें, झूला झूलाएं, सोहर गाएं, भजन कीर्तन करें कृष्ण भगवान का, हरे रामा हरे कृष्णा जो भी कर सकते हैं आप उस अवधि में करें। एक चीज़ और है, लोग पूजन करने के बाद पारण कर लेते हैं, तो तत्काल पारण नहीं करनी चाहिए। तो रोहिणी नक्षत्र में उनका जन्म हुआ है, जब रोहिणी नक्षत्र समाप्त हो जाए तभी आप पारण करें। रोहिणी नक्षत्र आपका 3:55 में समाप्त हो जाएगा, उसके बाद आप कभी भी पारण कर सकते हैं। तो उनका यह 52-51 जन्मोत्सव है, बहुत ही शुभ है, लास्ट अंतिम एक अंक बहुत शुभ होता है और उनका यह जन्मदिन है। अब सोचिए यह कितने वर्षों के बाद आएगा, और अब हम निश्चित काल बतला दिया, शुभ मुहूर्त बतला दिए, रोहिणी नक्षत्र बतला दिए, और अब उनके लिए जो व्रत नहीं कर रहे, जो उपवास नहीं कर रहे, भाइयों बहनों उपवास रहने से यह फ़ायदा होता है कि आपके पेट में जो मिट्टी जम जाता है, अनाज मिट्टी ही है, तो वह अनाज वह मिट्टी जब खाली रहता है तब आप ब्रह्मांड से जुड़ पाते हो। अगर इतनी शक्ति है कि उपवास में अपने शक्ति को अपने अंदर वर्तमान रखो, खाना खाना तुम्हारा शरीर ना मांगने लगे, तो तुम उपवास करो, और जब ऐसे उपवास करोगे तो आप सीधे परमात्मा से जुड़ोगे, ब्रह्मांड से जुड़ोगे। हाँ, तो यहाँ हम बतला रहे थे कि जो उपवास नहीं कर पाते हैं उनके लिए क्या है। आप जन्माष्टमी के दिन हल्दी और पीले रंग से, पीले पेंट से अपने तुलसी चौरा को रंग दें, और वहाँ पर कोई भी 8 फल चढ़ा दें, और फल चढ़ाने के बाद आप उन फलों को थोड़ा अच्छी मात्रा में चढ़ाएं, ताकि उन फलों को आप किन्हीं भी 8 बच्चों में वितरित कर सकें। तो तुलसी चौरा को पीले रंग से रंगकर वहाँ एक दीप जलाएं और कोई भी 8 फल चढ़ा दें। प्रातः स्नान करने के पश्चात उस फल को किसी भी 8 गरीब बच्चों में वितरित कर दें, आपको भी उपवास का फल मिलेगा। और ये जानकारी अच्छी लग रही है तो ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाइक करें, शेयर करें, ताकि दूसरे भी सही मुहूर्त को जान सके। और जो चैनल में पहली बार है वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दे। ओम कृष्णाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का दिन भर आप कृष्ण जन्माष्टमी के दिन जाप कर सकते हैं। ओम कृष्णाय नमः, ओम भगवते वासुदेवाय नमः, ऐसे छोटे छोटे मंत्र जब आप व्रत में रहते हैं, उपवास रहते हैं, तो करते रहें। इससे आपको उपवास की शक्ति मिलेगी, भूख और प्यास नहीं लगेगी। जय माता।